हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल लेकिन तो यस, अब हम कर रहे हैं जुलाई के लिए फोरकास्ट, जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ तीन टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज। तो इस महीने जो मैं डेक यूज कर रही हूँ वो है एंजल आंसर्स। अगर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है ये डेक कैसे यूज करते हैं, और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे मैं उनको बता देती हूँ कि आपको एक सिचुएशन जो आपके लाइफ में करंटली चल रही है, जो प्रेजेंटली आप जिस चीज़ में कहते हैं थोड़ा अटके हुए हो या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या होगा या क्या करना चाहिए, तो आप वो क्वेश्चन दिमाग में सोच लीजिए ये वीडियो देखने से पहले, अपनी राशि का देखने से पहले आप वो क्वेश्चन दिमाग में मेडिटेट कर लीजिए बेसिकली एक मिनट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंगली ये आंसर आपके लाइफ में आप रिलेट कीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपके सिचुएशन का आंसर होगा पर्टिकुलरली। तो ये एंजल आंसर डेक मैं यूज़ कर रही हूँ और तीन टैरो कार्ड जैसे मैं रेगुलरली करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आए, आई होप ये आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करे एंड यू फील वेरी वेरी मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड इन लाइफ। सो दैट्स अबाउट इट एंड वी मूव ऑन टू वर्गो यानी कि कन्या राशि। मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो तीन टैरो कार्ड्स एक एंजल आंसर, देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। ओके, जो फर्स्ट कार्ड है वो है कार्ड ऑफ कप्स। दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि यू नो एक जो इमोशनल अटैचमेंट आपने कर रखी हुई है, यू नो यू फील लाइक नो दिस वाज इट, दिस वाज द ओनली पर्सन आई कुड एवर गिव माय लव टू। नहीं, टैरो आपको बता रहे हैं वो इमोशनल अटैचमेंट जो आपने रखी हुई है, यू नो इट्स जस्ट लाइक बहुत ही अंदर से ब्रोकन फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी एक दुनिया हिल गई है, आप टूट चुके हो, इसके बाद आप उठ नहीं पाओगे, इसके बाद आप न्यू रिलेशनशिप में एंटर नहीं कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बंडल हो चुके हैं दिमाग में, यू नो नेगेटिविटी एट पीक आ चुकी है। अब आपको ऐसे लग रहा है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। बट बिकॉज आपको ये मैसेज आप देख रहे हो, आप ये टैरो रीडिंग देख रहे हो, तो टैरो कार्ड्स आपको बता रहे हैं यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू बी सो नेगेटिव अबाउट एवरी सिचुएशन। आप सही अंदाज से देखिए उसको, पॉजिटिविटी में बदलिए। जैसे सेकंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ कप्स अगेन, तो ये कार्ड बता रहा है कि यू नो आपके लाइफ में बेटर चीज़ें आ रही है, यू नो थिंग्स अच्छी हो रही है, चीज़ें सिचुएशन चेंज हो रही है, बट आप उसको बिल्कुल नहीं देख रहे हो, आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, आपने जैसे अपने आंखों में ना बांध रखी हुई है पट्टी और आपको ऐसे लग रहा है नहीं जो गया मुझे वही चाहिए। वो ऐसे नहीं होता है, कई बार लाइफ में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि ना जो गया गया और जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स लाइए, जो भी नेगेटिव चीज़ें अपने दिमाग से निकालिए, तभी जाके आप एक यू नो बेटर फील करोगे। जो थर्ड कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है और आप नहीं रिकवर कर पा रहे हो, आपको वो मोटिवेशन खुद से लानी पड़ेगी, यू नो नोबडी अराउंड यू इज़ गोना हेल्प यू डील विद दिस सिचुएशन, इट्स जस्ट यू, लाइक लिटरली यू, आपको खुद ही इससे बाहर आना पड़ेगा, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, बिकॉज आपने वो बाउंड्रीज लगा रखी हुई दिमाग में कि नो आई एम अ विक्टिम, यू आर नॉट अ विक्टिम, जस्ट स्टॉप प्लेइंग द रोल ऑफ अ विक्टिम, इट्स द टाइम टू टेक दैट चैलेंज इन लाइफ। पॉजिटिविटी फील कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स बोलिए, एफर्मेशंस का बहुत 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 यूज़ करना है इस महीने, तभी वो पॉजिटिव थॉट्स आपके बिल्टअप होंगे। तो इट्स द टाइम टू बिल्ड योर सेल्फ अप, यू नो एक अंदर से जो स्ट्रेंथ आपको लग रहा है कि चली गई है उसे वापस लाना है, यू हैव टू बी दैट स्ट्रांग पर्सन ऑल ओवर अगेन, यू हैव टू फाइट द सिचुएशन। यू नो अगर आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो और अपने आप को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, there's a great sign that you could land up into depression and you're not supposed to do that, मतलब आप अपने आप को जानकर कुएं में धकेल रहे हो, तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अटेंशन देना है इस महीने, आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा काम कीजिए, get back that strength that you need in life. So yes, angel answer for you is peaceful resolution. The situation that you know you've been thinking about before looking at this answer, angels बता रहे हैं कि चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएगी, अपने आप से सब you know आपके फेवर में आ जाएगा, आपको कुछ बहुत ज़्यादा you know chaotic
बहुत प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस नहीं देखने पड़ेगी, क्योंकि एंजल्स बता रहे पीसफुल रेजोल्यूशन, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, आप इतना जो स्ट्रेस कर रहे हो, इतने जो वरी कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है. तो यस, एंजल आंसर्स क्वाइट ब्राइट पॉजिटिव फॉर यू. आई होप दिस हैपेंस विद यू इन दिस मंथ एंड आपके जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिले. सो दिस वाज अबाउट इट. आई होप दिस काइंड ऑफ गिव्स यू द मोटिवेशन टू फाइट विथ योर ओन सेल्फ एंड गेट आउट ऑफ दैट नेगेटिव जोन. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज. दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच.